क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला हॉरर शो कब और किस चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था? या फिर क्या आपको पता है कि धरती पर इंसान ने एक ऐसा जीव भी बनाया है जिसके मात्र काटने से इंसान की मौत हो जाती है? क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं जहां भगवान को बीड़ी का भोग लगाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि कपड़े झाड़ते वक्त अचानक से छींक क्यों आने लगती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, गौरैया एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी चिड़िया होती है जिसे बचपन में आपने अपने घर के आसपास और छत पर देखा होगा। लेकिन अब बिजली और इंटरनेट की तारों की वजह से गौरैया का जीवन मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरों से चिड़िया का नामो निशान तक मिट गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक समय भी आया था जब गौरैया की वजह से लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी? दरअसल साल 1958 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने गौरैया को खत्म करने का आदेश दिया था, क्योंकि ये चिड़िया किसानों की फसलों के दानों को खा जाती थी। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश पर चीन में सभी गौरैया को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इससे चीन की मुश्किलें कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल गौरैया की गैर मौजूदगी में छोटे छोटे कीट पतंगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी, जिन्हें गौरैया अपने भोजन के रूप में खाया करती थी। उन कीड़े मकौड़ों ने चीन में उगाई जा रही सभी फसलों को खाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा था। पूरे देश में भुखमरी फैल गई थी, जिसकी वजह से लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने भूख की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। अगर उस वक्त गौरैया को खत्म करने का फैसला ना लिया जाता तो इतिहास के पन्नों में भुखमरी की वजह से इतने सारे लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज नहीं होता। इसलिए कहते हैं, गौरैया को बचाओ ताकि फसलों को बर्बाद होने से रोका जा सके। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि चादर, कपड़े या कंबल झाड़ने पर डस्ट उड़ती है, जिसकी वजह से कई लोगों को लगातार छींक आने की समस्या होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया हर वक्त हमारे कपड़ों, चादर और कंबल में पनपते रहते हैं, जिन्हें नेकेड आईज से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। जब कभी आप चादर या कपड़े झाड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया हवा में उड़कर आपकी नाक के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो बैक्टीरिया नाक की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो उससे एलर्जी होने लगती है और उसकी वजह से लगातार छींक आने की समस्या होने लगती है। हालांकि छींक के साथ ये बैक्टीरिया भी नाक से बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद छींक अपने आप बंद होने लगती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि चादर और कपड़े झाड़ने पर छींक क्यों आती है। तो अगली बार ऐसा करने से पहले अपनी नाक और मुंह को मास्क की मदद से अच्छी तरह से कवर कर लें। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते होंगे कि टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगने से वो जल्दी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोग रात के समय में तारे के टूटने का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आसमान से चमकते हुए जमीन की तरफ गिरने वाली हर चीज तारा नहीं होती है, बल्कि वो अंतरिक्ष यात्रियों की पॉटी भी हो सकती है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री पॉटी करने के बाद उसे एक ड्राई चैम्बर में स्टोर करते हैं। जब चैम्बर फुल हो जाता है तो उसे खाली करने की जरूरत होती है। उस वेस्ट को एक कैप्सूल में ट्रांसफर करके धरती की तरफ फेंक दिया जाता है और जैसे ही वो कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है, उसमें तेजी से आग लग जाती है और अंतरिक्ष यात्रियों का वेस्ट जमीन तक पहुँचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जब ये कैप्सूल जलते हुए नीचे की तरफ आता है तो ये आसमान में बिल्कुल किसी टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। कई लोग उस वेस्ट को टूटता हुआ तारा समझकर विश मांगने लगते हैं, जबकि वो असल में अंतरिक्ष यात्रियों की पॉटी होती है। तो अगली बार टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आसमान में चमकने वाली चीज असल में क्या है। फैक्ट नंबर 4, मानव शरीर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसके अंदर ना जाने कितने ही रोमांचक तत्व होते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि इंसान के शरीर में आयरन और गोल्ड जैसी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान की बॉडी में क्रिस्टल भी होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन क्रिस्टल्स को देखना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन की जरूरत पड़ेगी। दरअसल किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन को जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ चमकदार क्रिस्टल्स भी दिखाई देता है। इन क्रिस्टल्स को कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के नाम से जाना जाता है, जो हमारी किडनी में स्टोन की वजह से पैदा होते हैं। जब किडनी में इन क्रिस्टल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। क्या आप इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 5, आज के आधुनिक दौर में इलेक्ट्रिक बसों से लेकर फ्यूल वाले वाहन सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब जर्मनी में हवा से चलने वाली बस का इजाद किया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल साल 1937 में जर्मनी में बिना इंजन के चलने वाली बस बनाई गई थी। इस बस के ऊपरी हिस्से में एक टनल बनाई जाती थी, जिसके अंदर एक बड़ा सा पंखा होता था। जब बस की उस टनल से हवा गुजरती थी तो पंखा उसे स्पीड देने का काम करता था और उसकी वजह से बस आगे की तरफ बढ़ने लगती थी। जर्मनी
में साल 1937 में हवा से चलने वाली इस बस को लेकर कई तरह के प्रयोग किए गए थे जो सफल भी हुए थे। हालांकि इंजन ना होने की वजह से ये बस ज्यादा वजन होने पर सड़क पर नहीं चल पाती थी, जबकि हवा से ऊर्जा लेने की वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा कम थी। यही वजह थी कि आगे चलकर हवा से चलने वाली बस को बनाना बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें एक साथ ज्यादा सवारी बैठकर जल्दी सफर तय नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बिना इंजन वाली बस को चलाने के कई फायदे थे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा फ्यूल की बचत और पॉल्यूशन में कमी आना था। शायद भविष्य में इस हवा से चलने वाली बस को लेकर दोबारा से प्रयोग शुरू किया जाए, क्योंकि आज बहुत सी टेक्नोलॉजी आइडियाज को प्राचीन समय से लिया जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, हर देश में कोई न कोई सन की या यूं कहें कि खुद से बेइंतहा प्यार करने वाला व्यक्ति जरूर होता है, जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। लेकिन क्या हो अगर किसी देश का शासक ही सन की निकल जाए? यहाँ हम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बात कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि किम जोंग उन ने अपने देश में बहुत सी अजीबोगरीब कानून बना रखे हैं, जिनमें से एक कानून ये है कि जब किम जोंग पब्लिक के सामने मंच पर आए तो कैमरामैन उनके जूतों की तस्वीर क्लिक ना करे। दरअसल किम जोंग की हाइट थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से वो हील वाले जूते पहनते हैं। हील वाले जूतों को छिपाने के लिए किम जोंग उन ने अपने जूतों की तस्वीर क्लिक करने पर ही पाबंदी लगा रखी है, ताकि जनता को उनके सीक्रेट के बारे में पता ना चल सके। इतना ही नहीं, किम जोंग अपने हील वाले जूतों को छिपाने के लिए लंबी पैंट का भी सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैंट हमेशा लंबी और लटकी हुई सी दिखाई देती है। अगर कोई फोटोग्राफर या पत्रकार जानबूझकर किम जोंग के जूतों समेत उनकी तस्वीर क्लिक करता है और उसे छाप देता है, तो उस शख्स को कड़ी सजा दी जाती है। यही वजह है कि पत्रकार किम जोंग उन की फुल तस्वीरें क्लिक करने से परहेज करते हैं, ताकि गलती से उनके जूतों की तस्वीर पब्लिक ना देख ले। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को हॉरर यानी भूतिया शोज और फिल्में देखने का शौक होता है, जिसमें डरावने सीन देखकर अक्सर लोगों की चीख निकल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पहला हॉरर शो कब और किस चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि देश का पहला भूतिया शो साल 1993 में जी टीवी पर आया था और उसे जी हॉरर शो के नाम से जाना जाता था। ये शो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके बाद आप बीती समेत कोई है जैसे भूतिया नाटक बनाए गए थे। इसके अलावा भारत में पहली भूतिया फिल्म महल थी, जिसे साल 1949 में रिलीज किया गया था। उस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। तो अब आप भूतिया फिल्म और नाटकों का इतिहास अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 8, वैज्ञानिक हमेशा से जीव जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहे हैं, ताकि वो कुछ नया और अविश्वसनीय जीव बना सकें। लेकिन अक्सर इंसान का प्रयोग उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है, और इस बात का जीता जागता सबूत है एक खास प्रजाति की मधुमक्खी, जिसे इंसानों ने बनाया है। दरअसल साल 1957 में वार्विक स्टेवम नाम के एक वैज्ञानिक ने अफ्रीकन और यूरोपीय मधुमक्खियों के डीएनए को आपस में मिलाकर मधुमक्खी की एक नई प्रजाति विकसित की थी, जिसे उन्होंने अफ्रीकनाइज्ड बी नाम दिया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शहद इकट्ठा कर सके। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति की मधुमक्खी पर प्रयोग किया, तो उन्हें पता चला कि इस मधुमक्खी का स्वभाव अन्य मधुमक्खियों के मुकाबले ज्यादा आक्रामक और हमलावर है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने तुरंत इस प्रजाति को खत्म करने का फैसला ले लिया था, जिसके लिए उन्हें एक बॉक्स में भरकर बाहर ले जाया गया। लेकिन जैसे ही मधुमक्खियों को मारने के लिए बॉक्स के अंदर केमिकल डाला जाने लगा, उसी दौरान लगभग 20 मधुमक्खियां बॉक्स से बाहर निकल गईं और वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई थी। वर्तमान में उन 20 मधुमक्खियों की संख्या सैकड़ों का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिनके मात्र काटने भर से ही सालाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस मधुमक्खी का डंक इतना खतरनाक और दर्दनाक होता है कि पीड़ित उसके दर्द को सहन नहीं कर पाता है और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, किसी भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु धूप, अगरबत्ती और प्रसाद जैसी चीजें लेकर जाते हैं, ताकि भगवान उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर दें। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान को धूप, अगरबत्ती या प्रसाद नहीं बल्कि बीड़ी चढ़ाई जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अनोखा मंदिर बिहार के कैमूर जिले में खुटिया इलाके में बना हुआ है, जिसे मुसरवा बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में मुसरवा बाबा की मूर्ति भी है, जिनके आगे भक्त बीड़ी सुलगाकर मन्नत मांगते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बीड़ी का बंडल सुलगाने से मुसरवा बाबा खुश हो जाते हैं और श्रद्धालुओं की हर मुराद को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास से गुजरने वाला हर व्यक्ति बाबा के सामने सुलगती हुई बीड़ी रख कर जरूर जाता है। ऐसे में अगर आप भी किसी मन्नत को पूरी करना चाहते हैं, तो मुसरवा बाबा के मंदिर में बीड़ी जलाकर भोग लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।